कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें छोटा बच्चा अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैंने एक लड़की को किस किया है। ये बात सुनकर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और जेलसी के कारण उस लड़के को छत से धक्का दे देती है। तभी वो लड़का छत को पकड़कर उससे हेल्प मांगता है, पर वो लड़की उसकी हेल्प नहीं करती, जिससे वो लड़का नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक स्टूडेंट होने के साथ एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी होता है। स्कॉट क्लास में अपनी गेम की वजह से काफी पॉपुलर होता है, क्योंकि वो गेम जीतने में अपनी जी जान लगा देता था। अब एक दिन गेम जीतने के बाद उसके फ्रेंड उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। तभी वो अपनी दोस्त जूल से मिलता है, जो उसे बहुत पसंद करती है, पर वो कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाती थी। फिर जब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तो इनकी क्लासमेट बेस इन्हें छिपकर देखती है, जो कि एक शर्मीली लड़की थी। लेकिन वो स्कॉट से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने रूम में स्कॉट की बहुत सारी फोटोज लगाई होती हैं। अब एक प्रैक्टिस रेस के दौरान स्कॉट नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। इसके बाद स्कॉट अपने घर जाता है और अपने फादर के साथ चेस खेलने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके फादर अपने काम के सिलसिले से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से स्कॉट उनसे नाराज रहता था। अगले दिन क्लास में स्कॉट एक आर्ट पेपर पर कुछ आर्ट बनाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये देख बेस उस आर्ट पेपर को उठा लेती है। दरअसल स्कॉट ड्राइंग करने में भी अच्छा था, क्योंकि आर्ट उसकी एक हॉबी थी, पर किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। फिर जब स्कॉट लॉकर में अपना सामान रखने के लिए जाता है, तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसमें उसकी तारीफ के बारे में लिखा हुआ था। स्कॉट स्कूल में इतना पॉपुलर था कि ये लेटर उसके लिए एक नॉर्मल बात थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। अब बेस अपने घर जाती है और बुक पढ़ने लगती है, जहाँ उसके उंगली में नॉर्मल चोट आ जाती है। अगली सुबह बेस म्यूजिक शॉप जाती है, क्योंकि वो उस म्यूजिक शॉप में काम किया करती थी। वहाँ उसका क्लासमेट जेफरी उसे अक्सर छिप कर देखता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर बेस स्कॉट को पसंद करती थी, इसीलिए वो जेफरी को इग्नोर कर देती थी और स्कॉट को फॉलो करने लगती है। रात में स्कॉट जब अपने घर आता है, तो उससे मिलने जूल्स उसके घर आती है, जहाँ वे दोनों कुछ रोमांटिक बात करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जूल्स स्कॉट के साथ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगती है, पर स्कॉट उसे रोक देता है, क्योंकि स्कॉट ये सब नहीं करना चाहता था। फिर जूल्स अपनी एक न्यूड फोटो क्लिक करके स्कॉट के पास सेंड कर देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर जब जूल्स अपने घर पहुँचती है, तो हम देखते हैं कि कोई छिप कर उसका पीछा कर रहा है। इधर जेफरी बेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे अपना पेन ड्राइव देता है, जिसमें कि उसका कुछ फेवरेट सॉन्ग था, पर बेस उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका जेफरी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब बेस घर के अंदर आती है और अपने लैपटॉप पर जूल्स की फेसबुक प्रोफाइल ओपन करती है, जहाँ उसे जूल्स और स्कॉट की कुछ फोटो दिखाई देती है। बेस इन फोटोज को ध्यान से देखती है, जिससे उसे जूल्स से जलन होने लगती है और वो स्कॉट से मिलने का फाइनली डिसीजन लेती है। इसके बाद बेस एक लेटर स्कॉट के घर छोड़ आती है, जिसमें उसने एक जगह और टाइम लिखा हुआ था। इधर स्कॉट एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी उस पर कोई नजर रखने लगता है, पर स्कॉट को इस बात का पता नहीं होता, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद स्कॉट को बेस का लेटर मिलता है, जिसमें उसने बेस को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। इधर बेस उसी जगह पर जाती है जहां उसने स्कॉट को बुलाया हुआ था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब स्कॉट वहां नहीं आता, तो बेस बहुत दुखी होती है और अपने कपड़े निकाल कर जला देती है। अगले दिन जब स्कॉट जॉगिंग कर रहा था, तो बेस उससे टकरा जाती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। इस दौरान बेस स्कॉट से कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे स्कॉट से बात करने में शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से स्कॉट वहां से चला जाता है। अब घर आने के बाद बेस शीशे के सामने खड़ी होती है और स्कॉट को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन यहाँ भी वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी बेस फील करती है कि वो स्कॉट के साथ थिएटर जाएगी, जहाँ वो दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे। पर रात में स्कॉट जूल्स के साथ थिएटर जाता है और मूवी देखने लगता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद स्कॉट अपने घर आ जाता है, तभी कोई उसके ऊपर नजर रखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेस और जेफरी जंगल में जाते हैं, जहाँ जेफरी बेस से अपने दिल की बात शेयर करने लगता है, लेकिन बेस उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। तभी जेफरी उसे किस करने की कोशिश करता है, तो बेस उसे धक्का देकर
लेकर वहां से चली जाती है। घर आने के बाद बेस स्कॉट और जोल्स की फोटो को एडिट करती है, जिसमें वो जोल्स की फोटो को हटाकर अपनी फोटो लगा देती है, जिससे उसे अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ जोल्स स्कॉट को अपने घर बुलाती है, क्योंकि उसके विंडो पर किसी ने ही इज माइन यानी वो मेरा है लिखा था। ये देख स्कॉट को लग रहा था कि ये सब जोल्स ने ही लिखा होगा, इसलिए वो इसे मजाक में लेने लगता है, जिससे जोल्स गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। अब एक कॉफी शॉप में स्कॉट की टीचर ब्राउन स्कॉट के साथ फ्लर्ट करती है, वहीं बेस ये सब देख रही थी। फिर जब स्कॉट वहां से जा रहा था तो बेस उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा एक स्केच बनाया है। ये सुनकर स्कॉट को काफी गुस्सा आता है और वो बेस का स्केच फाड़ देता है, जिसे देख बेस का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ ब्राउन रनिंग करते हुए जंगल की तरफ जाती है, जहाँ कोई अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे ब्राउन घायल होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो आदमी स्कॉट के फोन से जूल्स की न्यूड फोटो वायरल कर देता है, जो जूल्स ने खुद स्कॉट को भेजा था। फिर जब स्कॉट को इस बात का पता चलता है तो उसका शक बेस पर जाता है, क्योंकि स्कॉट ने पिछली रात बेस को डांटा था। इसलिए स्कॉट बेस से पूछता है कि तुमने ब्राउन पर हमला क्यों किया। इस पर बेस उसे साफ मना कर देती है, जिससे स्कॉट गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ जेफरी आकर स्कॉट को ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से स्कॉट का गुस्सा जेफरी पर निकल जाता है। इधर जूल्स अपनी फोटो को वायरल देखकर स्कॉट से नाराज होती है, तो स्कॉट उससे माफी मांगने के लिए जाता है, पर जूल्स उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब एक पार्टी के दौरान जूल्स गुस्से में ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेती है, जिससे उसे चक्कर आने लगता है और वो एक रूम में जाकर सो जाती है। तभी वहां वो अनजान आदमी आता है, जो जूल्स को मारने की कोशिश करता है, पर जूल्स किसी तरह बच जाती है और ये बात वो स्कॉट को बताती है, जिसे सुनकर स्कॉट को बेस पर शक होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बेस ने जैसे ब्राउन को मारने की कोशिश की थी, हो सकता हो उसी ने जूल्स पर भी अटैक किया होगा। इसलिए स्कॉट जूल्स को पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाने के लिए बोलता है, जिस पर जूल्स कहती है कि उस समय उसने ड्रिंक कर रखा था, जिसकी वजह से पुलिस उसकी कंप्लेन नहीं लिखेगी। इसके बाद स्कॉट जूल्स को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में स्कॉट की गाड़ी एक साइकिल से टकरा जाती है। फिर जब स्कॉट चेक करता है तो वो बेस की कोवर्कर एंडी होती है, जो अपने साइकिल से घर जा रही थी। इस दौरान एंडी के पैर में काफी चोट आ जाती है और उसकी साइकिल भी टूट चुकी होती है, इसलिए स्कॉट उसके हेल्प करने के लिए उसे घर छोड़ने जाता है। घर जाने के बाद स्कॉट उसके जख्म पर पट्टी बांधता है। यहाँ एंडी काफी अजीब बिहेव कर रही होती है, तभी मौका पाकर एंडी स्कॉट को बेहोश कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कॉट का पीछा एंडी ही कर रही थी, यानी उसने ही जूल्स पर हमला किया था और वो हर वक्त स्कॉट पर नजर रख रही थी। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एंडी ने अपने हाथ से ही अपने घुटने को जख्मी कर दिया था, ताकि स्कॉट उसे उसके घर छोड़ने जाए, और इसने ही स्कॉट के टीचर ब्राउन पर भी हमला किया था। साथ ही उसने जूल्स की फोटो को भी वायरल की थी, क्योंकि वो स्कॉट को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। अब एंडी स्कॉट को बेहोश करके अपने बेसमेंट में छिपा देती है। कुछ देर बाद जब स्कॉट को होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एंडी उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी वो स्कॉट के घुटने पर हमला करती है, जिससे स्कॉट दर्द से कराह उठता है। अब एंडी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। उधर जेफरी बेस को इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करने जाता है, पर बेस उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन जेफरी के काफी रिक्वेस्ट करने पर बेस उससे कहती है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। ये सुनकर जेफरी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अगली सुबह एंडी कुछ सामान लेने स्टोर में जाती है, जहां बेस पहले से ही मौजूद होती है। स्टोर में एंडी बेस के साथ कुछ बातें करती है, जिसमें वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगी। ये कहकर एंडी वहां से चली जाती है। घर आने के बाद एंडी रेडी होकर स्कॉट से मिलने जाती है, जहां स्कॉट को होश आ चुका था। तभी एंडी के घर उसका बॉस डेविड आता है, जो एंडी को पसंद करता था, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहता था। पर एंडी का डेविड के लिए कोई फीलिंग नहीं था, जिससे वो उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देती है। फिर वो खून लगा हुआ चाकू लेकर स्कॉट के पास जाती है और उसे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए कहती है, पर स्कॉट मना कर देता है और दोबारा से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाता। तभी एंडी उससे डील करती है कि अगर वो उसकी ड्राइंग बना देगा तो वो उसे यहां से जाने देगी। ये बात सुनकर स्कॉट ड्राइंग बनाने के लिए
रेडी हो जाता है। उधर बेस स्कॉट को भुलाने के लिए उससे रिलेटेड सारी यादें मिटाने लगती है, जिसमें वो उन सभी चीजों को आग में डालकर जला देती है जिसे देखकर अक्सर उसे स्कॉट की याद आती थी। इसके बाद बेस फेसबुक से स्कॉट को अपने फ्रेंड लिस्ट से भी हटा देती है क्योंकि उसका दिल टूट गया था। फिर वो अपने दिल की बात शेयर करने के लिए एंडी के पास जाती है क्योंकि एंडी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। तभी जेफरी बेस को छिपकर देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर स्कॉट एंडी की ड्राइंग बना देता है पर एंडी उस ड्राइंग को देख खुश नहीं होती और उसे फाड़ देती है। फिर वो स्कॉट को दोबारा ड्राइंग बनाने के लिए बोलती है। तभी स्कॉट अपनी पेंसिल को एंडी के पैर में घुसा देता है जिससे एंडी वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहां बेस आ जाती है जो स्कॉट की बुरी हालत देखकर उसकी हेल्प लगती है। तभी एंडी बेस पर हमला करके उसे मारने वाली होती है कि तभी वहाँ जेफरी आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद इनके बीच झड़प हो जाती है जिसमें स्कॉट एंडी को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और एंडी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ये लोग बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ बेस और जेफरी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। दूसरी तरफ स्कॉट और जूल्स भी रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब जख्मी टांग की वजह से स्कॉट फुटबॉल नहीं खेल पाता पर उसका आर्ट हॉबी था इसलिए वो एक आर्ट स्कूल में अप्लाई कर देता है। इधर एंडी से मिलने उसका वकील आता है जो उसे उसके द्वारा मारे गए लोगों की रिपोर्ट दिखाता है। तभी हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस लड़की ने जेलसी के कारण छोटे बच्चे को छत से नीचे गिराया था वो कोई और नहीं बल्कि एंडी ही थी। दरअसल एंडी साइको होने के कारण काफी जिद्दी थी जिससे उसे जो चीज भी पसंद आती है वो उसे हासिल करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, जिसकी वजह से एंडी लास्ट में जेल के अंदर बंद हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।